भाई भैया महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक गैस रिफिलिंग की दुकान में आज अचानक धमाका हो गया। बताया जा रहा है एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर में ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला गोंडा के उमरीगंज थाना के आदमपुर चौराहे की है। पूरी जानकारी के लिए अपने संवाददाता हामिद अली से फोन लाइन पर बात करते हैं। हामिद अली, क्या है पूरा मामला और कितने गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है? जी, आपको बताना चाहेंगे, थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के अंतर्गत ये आदमपुर गांव बाजार है, रोड पे है, वहीं पे इसके दुकान थी बाबू के नाम से, और गैस सिलेंडर का ये भरने का काम करता था, उसके फिर साइकिल की दुकान थी, और उसी पे किसी वजह से अज्ञात कारणों से उसकी आग लग गई सिलेंडर में, जिससे 12 सिलेंडर एक करके लगे हुए हैं, और 40 के करीब पता चला है, 40 के करीब सिलेंडर के दुकान में गोदाम में रखे हुए थे। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर पंचर बनाया जाता था और अवैध रूप से पेट्रोल भी बेचा जाता था, तो क्या ऐसे जो अवैध रूप से पेट्रोल बेचा करते थे, इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी क्या? जी हाँ, जिला अधिकारी मार्गदर्शाई और मौके पर पहुंचे हुए, पांच मिनट टीम भी पहुंची हुई, जिससे आग से काबू पाया गया, जिसे बताया गया कई दुकानें उसके वजह से चपेट में आई है, ऐसे कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए है जिला अधिकारी ने। ऐसी कई दुकानें हैं यहाँ से लेकर के गोंडा से लेकर के उमरी तक, जो पेट्रोल बेचते हैं रोड पर रख करके और सिलेंडर का रिफिलिंग का भी काम करते हैं जो अवैध रूप से। अब देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई लोगों से होती है। अच्छा, किसी के हाथाहाथ होने की ऐसी खबर है इस घटना में? हाँ, इस पे ये ऐसा है कि सिर्फ है उसका जो है धन का हानि हुआ है, दुकान का जो जला हुआ है नुकसान हुआ है, बाकी जान मान का कोई नुकसान, माल का नुकसान हो, जान का कोई नुकसान हो, कोई चुकाई नहीं हुआ, किसी कोई घायल नहीं हुआ वहाँ पे, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये गोंडा से हामिद अली थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। और जिस तरह से एक ही दुकान में पेट्रोल भी बेचा जाता था और गैस रिफिलिंग का भी काम किया जाता था, साइकिल का पंचर भी बनाया जाता था, इसी तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर अवैध रूप से पेट्रोल जो है बेचा जाता है। बहरहाल, देखने वाली बात है कि इस घटना के बाद क्या शासन प्रशासन हरकत में आती है और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।